सो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस खास वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आज हम लोग जानने वाले हैं, पीछे आप लोगों को हम बताए थे कि 17 दिसंबर को 10 वंदे भारत एक्सप्रेस को इनोग्रेट झंडी मिलने वाली है। तो चलिए जानेंगे वो 200 रूट को, ये कौन कौन रूट पे वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। सबसे पहले, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ये हाईली कॉन्फॉर्मेशन एरिया है और इस रूट पे वंदे भारत के संचालन कन्फर्म है। तो आप लोगों को बता दे, तेलंगाना टुडे ने बताया है कि हमारी तेलंगाना से दो वंदे भारत को एक साथ 17 दिसंबर को इनोग्रेट झंडी मिलने वाली है। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है, कुछ खास इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो टेक्नोलॉजी का भी जिक्र करेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी फर्स्ट बार इसमें दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनाव की रैली को तैयार करने के लिए और फर्स्ट बार यहां से स्टार्ट करने के लिए चुनाव को काशी आ रहे हैं, और काशी से ही 17 दिसंबर को वो इस गाड़ी को इनोग्रेट करेगी, और काशी वाराणसी से भी दो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वाराणसी से चलने वाले दो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो वाराणसी से चलेगी, ये वाराणसी से लखनऊ के बीच चलेगी। आपको बता दें, इस रूट पे वंदे भारत को लेकर के काफी दिनों से डिमांड की जा रही थी। अब लखनऊ से चलने वाले पैसेंजर जो वाराणसी घूमना चाहते हैं, उनके लिए काफी सुविधा होने वाली है। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो वाराणसी से चलेगी, ये वाराणसी से टाटा नगर झारखंड को जाने वाली है, और ये रेल सेक्शन 580 किलोमीटर का होने वाला है। अगर ये वाराणसी से खुलती है, काशी होते हुए गया, उसके बाद मुरी, टाटा नगर पहुंचेगी। इस रूट पे पहले से चल रही नीलाचल एक्सप्रेस काफी भीड़ भाड़ वाली गाड़ी थी, और श्रद्धालुओं को टाटा नगर से काशी वाराणसी पहुंचने के लिए काफी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब इस गाड़ी के आ जाने से इतना भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस होगी सिकंदराबाद टू पुणे। आपको बता दें, सिकंदराबाद और पुणे में इंडस्ट्रीज की कमी नहीं है और यहाँ पे उद्योगपतियों का कमी नहीं है। इस कारण से इस वंदे भारत एक्सप्रेस की पैसेंजरों की कमी नहीं हो सकती है सिकंदराबाद टू पुणे के लिए। तो ये गाड़ी भी कन्फर्म 100% सेवा देगी, और आने वाले समय में ये गाड़ी इस रूट पे चलने वाली पैसेंजरों के लिए वरदान साबित होगी। हमारी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है पटना टू न्यू जलपाईगुड़ी की। इस रूट की चर्चा काफी दिनों से चल रही है, और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए लोगों को इस गाड़ी के चलने से काफी सुविधाजनक होगी, और ये गाड़ी पटना से महज 6 घंटा में न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएगी। दोस्तों, इस लाइन की मैं डिटेल्स वीडियो बनाया हूं, अगर आप लोगों को देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमारी पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस जो 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है, ये मदगांव से मंगलोर के बीच लॉन्च होने वाली है। और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस जो लॉन्च होगी, दिल्ली टू अमृतसर लॉन्च होगी, और इंदौर टू सूरत सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होगी, और मुंबई टू कोल्हापुर हमारे आठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने वाली है। मुंबई टू जलना के बीच भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने वाली है, और हमारी दसवीं आखिरी वंदे भारत एक्सप्रेस है पुणे टू बड़ौदा के बीच हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, हमें 10 वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ सौगात मिलने वाली है इसी दिसंबर मंथ में। दोस्तों, आपको बता दें, सेंट्रल रेलवे ने वंदे भारत के कोचों में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए ट्रायल के तौर पर एक से एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव कोच में गन सेंसर लगाए जाएंगे। सेंसर को ट्रायल के तौर पर ही लगाया जाएगा। इसकी मदद का पता लगाया जा सकेगा कि शौचालय एरिया के पास कितना गंद है। अगर गंद की मात्रा अधिक होती है तो सेंसर डिटेक्ट कर लेगी और हाउसकीपिंग स्टाफ को अलर्ट मैसेज भेज देगी। अगर इस तकनीकी को बढ़ावा मिलता है तो इंडियन रेलवे सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में इस तकनीकों को उतार सकती है। इसके तहत वंदे भारत के कोचों में हवा वाली पाइप ओरिएंटल और मॉडिफाई किया जाएगा। दरअसल, यह टेक्नोलॉजी मवेशियों को टकराने को लेकर के वंदे भारत एक्सप्रेस में एक उठाई जा रही है। इस तरह के पाइपों में जरूरत बदलाव से सुनिश्चित की जाएगी और मवेशियों को टक्कर के वजह से कम झटका लगे, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट करते हैं, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।